राजधानी शिमला के कैपिटल होटल की एटिक में देर रात 11:15 पर भयंकर आग लगी। आग की सूचना मिलते ही डिविजनल फायर ऑफिसर डीसी शर्मा की अगुवाई में छोटा शिमला, बालूगंज और माल रोड से अग्निशमन की 5 गाड़ियां 40 जवानों के साथ मौके पर पहुंची। वहीं आग की लपटें इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन दुर्घटना स्थल पर पहुंची अग्निशमन विभाग की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। आग से कैपिटल होटल के एटिक के 3 कमरे जलकर राख हो गए, जिससे 2 लाख का नुकसान आंका गया है। यहां पर सर्वेंट क्वार्टर थे। ये होटल अंकुर छाबड़ा का था। वहीं कैपिटल होटल के साथ लगते बालजी रेजेंसी, सूर्य होटल, लो ग्रे होटल सहित अन्य होटल को सुरक्षित बचाया गया। इसके साथ ही यहां मिडिल स्कूल सहित अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं मौके पर आग लगने की सूचना मिलते ही एसडीएम शहरी मंजीत शर्मा भी मौके पर पहुंचे और आग का जायजा लिया।